तो बड़ी ही मिन्नतों के बाद, बड़ी ही दिक्कतों के बाद, मंदिर जाने के बाद, दरगाह जाने के बाद और पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद, फाइनली OMG 2 का ट्रेलर आ चुका है। और मुझे नहीं पता OMG के बारे में, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो मेकर्स हैं, जो इसके इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उन्हें शिवजी ज़रूर याद आ गए होंगे, क्योंकि भाई साहब 27 डिफरेंट कट्स लगाए गए हैं। 3 बार आई थिंक जो बोर्ड है हमारी, जो सेंसर बोर्ड है, उसके पास भेजा गया है, बड़ी मिन्नतें की गई हैं, बड़ी जो है ले दे हुई है, तब कहीं जाके जो है जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ है। तो फाइनली ट्रेलर आ चुका है एंड हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि पिछली वाली मूवी थी वो काफ़ी अच्छी थी, ऑब्वियसली लोगों की उस पर कंप्लेंट्स थी, बट मुझे लगता है ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी थी, वो काफ़ी अच्छा मैसेज था। हाँ, वो ठीक है कि लोगों को ऐसा लगा कि एक ही जो है रिलीजन को टारगेट किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्होंने जितनी लिबर्टी ले सकते थे जिस रिलीजन के साथ उन्होंने ली है। अब ये ठीक है कि कुछ लोग ज़्यादा टॉलरेंट हैं, कुछ नहीं हैं, वो एक अपने आप में एक डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल जो मैसेज था उस मूवी का वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंपैक्टफुल मूवी थी, और उसके गाने जो थे वो बड़े अच्छे गाने थे, राइट। तो बिकता हूँ मैं तो जो है इन दुकानों में, राइट, और बड़ी बड़ी काफ़ी जो कमाल की लाइनें थी उसमें वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। एनीवेज, तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से भी थोड़ी सी ज़्यादा है एंड लेट्स होप कि ये मूवी, क्योंकि इतना सुनने में आ रहा है कि ये सेक्सुअल एजुकेशन और इन सारे सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई है, तो आई होप कि ये डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीवेज, तो चलते हैं सीधा ट्रेलर की तरफ और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे लास्ट में, और ब्रेक डाउन हम करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। तो सीधा चलते हैं ट्रेलर की तरफ। मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। कांति सरन मुद्गल वर्सेस कांति सरन सर गलत लिखो है, ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्या हो रहा है? आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवाए, वही कर ही लिया तू। बच्चे गिल्ट में भर जाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाए गए। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा कर रही हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो केस आपको एडुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। क्या प्रकार है भाई ये कचोरी? चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अब
ऑलराइट, तो ये ट्रेलर था। आई थिंक बहुत जबरदस्त उन्होंने बनाई है मूवी, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो राइटर्स डायरेक्टर्स उन सबको बहुत सीरियसली इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे कि पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा भड़क जाए। क्यों? क्योंकि आदि पुरुष की वजह से ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस मूवी की वजह से ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर, ना कि सिर्फ प्रोड्यूसर पर, एक्टर पर और डायरेक्टर्स पर और बाकी की इंडस्ट्री पर, बल्कि सोसाइटी एज अ होल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि अब लोग जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही ऐसे प्रोजेक्ट में आएंगे, बल्कि वो बोलेंगे कि अवॉइड करो, 4-5 साल अवॉइड करो, ऐसे कोई सब्जेक्ट में मत बनाओ, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज है बताने के लिए, महाभारत अगर आप बनाई जाए, महाभारत ही नहीं बल्कि अगर उसे एज अ फ्रेंचाइजी बनाई जाए, रामायण, महाभारत और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग, उन सबको कनेक्ट करके एवेंजर्स की तरह नहीं हम बोल सकते, लेकिन मार्वल जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, राइट, के एक्टर्स जो हैं एक दूसरे की मूवीज़ में आते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स में आते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि महाभारत में जो है जो हनुमान जी हैं वो आते हैं श्री कृष्ण से मिलने, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि श्री राम यहाँ पर हैं। तो वैसे तरीके के जो कैमियोज होते हैं और उस तरीके की बनाई जाती, उस लेवल की बनाई जाती, तो बहुत ज़बरदस्त कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स की वो फ्रेंचाइजी बनती, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी की वजह से अब वो ऐसा हो नहीं पाएगा रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो ये बहुत, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा है इन लोगों पे। लेकिन बात यह है कि ये मूवी, अगर इस पर्टिकुलर मूवी की हम बात करें, तो बहुत सोच समझ के ट्रेलर काटा गया है, मेक श्योर करा गया है कि कोई ऐसी हरकत ना हो। जब भी वो मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे सर, भले ही हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन बात नहीं करेंगे सर ना, ठीक है, बहुत बुरी बात है। तो वो जो मुनाफिकत वाली जो सोसाइटी है हमारी, जो मुनाफिकत हम सब में भरी हुई है, जो हिपोक्रेसी हम सब में भरी हुई है, तो वो जो है बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है अभी भी लोगों के लिए। तो बात ये है कि उस चीज़ को जब वो मेंशन कर रहे हैं, तो जो कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो जिस पे लोगों को आपत्ति हो, तो वो कैरेक्टर वहाँ है ही नहीं उस वक्त। तो ये बड़ा सोच समझ के काम किया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो मेन जो लीड हैं, पंकज त्रिपाठी जी, वो बहुत ही इस तरीके के एक्टर हैं, वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और इस तरीके के एक्टर हैं, उस तरीके का उनका फेस है, उनका जो हाव भाव है, जो बोलने का तरीका है, वो इस तरीके का है कि उन पर वो जिसे बोलते हैं ना कॉमन मैन जो एक इमेज होती है वो दिख रही है, जो सेंसिटिव उनकी उनका जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है, जो मासूमियत जिसे कहते हैं, राइट, वो दिख रही है उनमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस तरीके के कैरेक्टर के लिए, राइट। और प्लस वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और जिस तरीके से वो डिलीवर करते हैं लाइंस को, जिस तरीके से वो मासूमियत के साथ बोलते हैं, राइट, तो खड़े होकर बोले, राइट, तो उस तरीके से तो वो काफ़ी उन पर सूट करता है और काफ़ी वो जेन्युइन लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छी होगी अगर इन लोगों ने सही तरीके से लिखा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर, ट्रेलर बड़ा अच्छा बना लेते हैं, उसको काट पीट के, लेकिन मूवी में जो है ना गड़बड़ हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स होप कि मूवी भी उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ बनाई हो, राइट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम स्टेप बाय स्टेप इसका जो है ब्रेकडाउन करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बुरी बात है ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस तरीके का है, महादेव की बात हो रही है, जो शिव जी की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह रहा था, मैंने एक आध वीडियो में भी कहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि देवों के देव जो है हम साथ में देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम देखें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ज़रूर देखेंगे। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ वो देखने की, तो हम जो है साथ में देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो इतना ही कहना था मुझे, मूवी से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं एंड पता नहीं हम थोड़ा सा मिस करेंगे, परेश रावल जी इस मूवी में नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जो जज बने हुए हैं, एक्चुअली वो और हम जो है साथ में एक ही गार्डन में वॉक करते थे, राइट, तो उन्हें मैं थोड़ा सा, मतलब हमने बात नहीं की, बस एक स्माइल एक्सचेंज की है, क्योंकि हम जिस बिल्डिंग में रहते थे उसके नज़दीक जो गार्डन था, काफ़ी बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पर जो है हम साथ में एक ही टाइम पे वॉक करते थे, तो वहाँ मैंने देखा उन्हें एंड उस वक्त वो जो है मैं उन्हें डॉन के अवसर जानता था, क्योंकि डॉन मूवी में वो थे, तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं वो भी और काफ़ी जिसे हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, आई एम श्योर काफ़ी डिसेंट इंसान है, मतलब अपने काम से काम उस तरीके से वॉक करते थे वो। एनीवेज तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम देखेंगे सीरियल महादेव, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और हमारे दूसरे चैनल्स हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं भूल जाऊंगा नहीं, तो हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उन्हें भी जाके आप चेक करें, देखें, क्योंकि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत महंगे कोर्सेज हैं और आपके लिए फ्री में लाने वाले हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारा चैनल है उसको, और भी चीज़ें जो भी आप बोल सकते हो, और भी कुछ देखना हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हो हम देखें तो वो भी हमें बताएं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, तो अभी सब चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं उस पर। एनीवेज अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बस, बाय बाय।